नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं पंकज डुंगरियाल जाखणी कीर्तनगर टिहरी गढ़वाल से हूँ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें लेख निबंध नाटक पेंटिंग या फिर कविताओं द्वारा उन लोगों को जागरूक किया जा रहा है जो नशे की आड़ में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में मैंने भी एक कविता लिखी है जिसे मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं और उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस कविता को दूसरों तक साझा करेंगे और कीर्तनगर पुलिस द्वारा चलाई जा रही इस मुहिम को आगे बढ़ाओगे ताकि यह राज्य और देश नशा मुक्त होने का संकल्प ले सके। तो चलिए कविता प्रारंभ करते हैं कि प्रगतिशील भारत की राह में बाधा बना हर एक वो शख्स जो आदि है एक गंदगी का जिसे है कहते नशे की लत। कि प्रगतिशील भारत की राह में बाधा बना हर एक वो शख्स जो आदि है एक गंदगी का जिसे है कहते नशे की लत। नशा एक बीमारी है जो पड़ रही सब पर भारी है, मायूस है हर एक वो राह जिसकी थी कभी पनपने की चाह, जिसकी थी कभी पनपने की चाह। नशा की आदत लोगों के अंदाज बदल रही है, वह नशा ही है जो मनुष्य को जीते जी ध्वस्त कर रही है, वह नशा ही है जो मनुष्य को जीते जी ध्वस्त कर रही है। जहां एक तरफ भारत दे रहा तरक्की की मिसाल, वहीं दूसरी तरफ हमारा युवा हो रहा नशे का शिकार, हमारा युवा हो रहा नशे का शिकार। लुप्त हो रहा युवाओं का जोश नशे की आड़ में जिसे कुछ नहीं है होश, चरस गांजा भांग और अफीम यही है नशे की क्रीम। न नशे का कोई धर्म न कोई ईमान, टूटता शरीर हो जाता बेजान। न नशे का कोई धर्म न कोई ईमान, टूटता शरीर हो जाता बेजान। रो रही हर एक वो माता जिसे समझ अब कुछ नहीं आता, रो रही हर एक वो माता जिसे समझ अब कुछ नहीं आता, क्योंकि उन्हीं के सामने नशे की आड़ में घर का दीपक है तपता, घर का दीपक है तपता। इसलिए सबको मिलकर यह कदम उठाना होगा, देश को नशा मुक्त बनाना होगा। इसलिए सबको यह कदम उठाना होगा, देश को नशा मुक्त बनाना होगा। जीवन है बड़ा अनमोल, इसमें नशा मत घोल मेल, यही सबको बताना होगा। बल्कि नशा मुक्त होकर देश में खुशियाँ झकझोर, यही सबको समझाना होगा, यही सबको समझाना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।